भिवंडी महानगर पालिका के नगर सेवक व स्वाभिमान सेवा संस्था संस्थापक तथा धामन का नाका मित्र मंडल अध्यक्ष संतोष शेट्टी द्वारा पत्रकार परिषद का आयोजन, पत्रकारों से वार्तालाप करते हुए कहा कि हमने CAA व NRC की पड़ताल की तो CAA कानून देश के हित के लिए है और NRC अभी तक लागू नहीं हुई है और NRC का कोई जिक्र भी नहीं है। CAA कानून देश के हित के लिए है, सभी जाति धर्म के लिए है, हम उसका सम्मान करते हैं। हमारे सभी भिवंडी शहर के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी मेरे भाई हैं, हम सभी धर्म के साथ हैं। अगर भिवंडी शहर में रहने वालों के साथ किसी भी तरह का अन्याय होगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आगे हम आपको बता दें कि दिनांक 27 दिसंबर 2019 को NRC व CAA के समर्थन में एक विशाल रैली निकाली गई थी, जिसमें भिवंडी महानगर पालिका के नगर सेवक व स्वाभिमान सेवा संस्था संस्थापक तथा धामनकर नाका मित्र मंडल अध्यक्ष संतोष शेट्टी ने भी इस रैली में शामिल थे, जो भिवंडी शहर में चर्चा का विषय बना हुआ था उसका भी खुलासा करते हुए बताया कि सर, भिवंडी में सभी धर्म के लोग रहते हैं, CAA के विरोध में भी मोर्चा निकला था NRC और CAA के लेके, लेकिन कल समर्थन में सिर्फ CAA, क्या सोच रखते हैं आप भिवंडी के नाते? नहीं, कल का जो आपने सवाल बहुत अच्छा किया, फिर बोलता हूँ, जब मेरे को भी लेटर आया, हर जितने संस्था है कोई पार्टी पिट्टी का नहीं था, तो जब मैं CAA के बारे में आपको लोग को सही बताना है, संविधान बचाना है, ऐसा एक मुझे पत्र आया दामन ना के मित्र स्वाभिमान के नाम से, तो मैं जब देखकर मैंने चेक किया क्या हकीकत है, तो मेरे को लगा कि तो गलत है ही नहीं, सही में गलत नहीं, और खाली CAA ही पास हुआ है, NRC क्या है किसको पता भी नहीं, खाली बॉल हो सब देखे, तो मैं भी है ही नहीं। वो कायदा जो है ये भिवंडी में अपना छोटा भारत है और इस छोटे से भारत को 84 से दंगे के बाद आज तक कोई दाग नहीं और इसको दाग लगना भी नहीं, तो CAA जो है बांग्लादेश पाकिस्तान अफगानिस्तान से जो हिंदू यहाँ के आके बसे उनको मान्य देना है, कोई कायदे में ना मुस्लिम को तो भगा रहा कुछ है, इसलिए मैं भी वो प्रोटेस्ट में गया और कायदा सही है उसका, मेरा स्वाभिमान सेवा संस्था धामन नाके मित्र मंडल और मेरे फुल सपोर्ट है। NRC का कुछ समझ ही नहीं है, कुछ लागू नहीं है, यहाँ के मुस्लिम कौन किसको भाएगा, मैं भारत की तो बात नहीं करता, यहाँ के मुस्लिम को जो बचपन से हमारे साथ में उनको कौन, और कायदा है भी नहीं, ऐसा आए भी तो हम उनके साथ में रहेंगे, आए भी तो आएगा भी नहीं, कितने प्रधानमंत्री देश के अगर बोल रहे लाइव आप सब देखे तो कोई तो उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, उन्होंने लाइव बोलते दूसरा उठ गया नहीं वो झूठ बोल रहे उसको नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए, तो हकीकत को एक्सेप्ट करना चाहिए ताकि हमारा जो भिवंडी है एक मजबूत स्ट्रांग भिवंडी इसको अच्छे से रहना है, और यहाँ के जो बाकी जो प्रॉब्लम बंद हो रहे टोरंटो के लपड़े इसके लिए सब मिलकर लड़ना चाहिए, और फिर आपके चैनल के माध्यम से अगर कोई सुनते हो मुझे यहाँ के हिंदू यहाँ के मुस्लिम एक अच्छे से एक संगठन बना के नॉन पॉलिटिशियन यहाँ की पुलिस यहाँ की गवर्नमेंट को लेके एक ऐसा NRC का जो गलत फहमी दूर हटाना चाहिए, CAA के बारे में सच्चाई सामने आना चाहिए, तो मैं फिर से CAA का समर्थन करता हूँ और NRC जो लागू नहीं आया और जो गलत अफवाह जो भी फैला रहे उनसे विनंती, गलत बंद कर दो, राजकरण के लिए कुछ भी मत करो, बंद कर दो इसको और जो सही चीज़ें सामने आओ। लेकिन कांग्रेस तो ये सबका विरोध कर रही है, कांग्रेस तो हर चीज़ की विरोध करती है ना, तो उसको मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, तो मेरे को ऐसा लगा कि मेरे भिवंडी में मेरे को कोई संस्था ने बुलाया था CAA के बारे में, तो मैं एक धामन नाका मित्र मंडल स्वाभिमान संस्था का अध्यक्ष के नाते ये बात कर रहा हूँ, पार्टी कौन क्या बोलती उससे मुझे कोई लेने, मेरे को मेरे भिवंडी के सोचना है, हर चीज़ में अगर राजकरण करते बैठेंगे तो सोचिएगा कौन, थोड़ा राजकरण छोड़ के भी लोग को कोई सामने आके बात करना चाहिए, शहर के बारे में बात करना चाहिए, मेरा शहर मजबूत रहेगा तो मेरा मुस्लिम भाई अच्छा रहेगा, मेरा हिंदू भाई अच्छा रहेगा। भिवंडी वालों से क्या आह्वान करेंगे जो जनता है? बस भिवंडी के जनता को एक ही कहूँगा कि जो हकीकत है उसको समझने का और उसमें चर्चा करने का और उसमें से जो गलत फहमी दूर निकाल के अपना शहर आ जाना चाहिए, इसमें सभी लोग मिलकर करना चाहिए, पॉलिटिशियन कोई बात करता है तो क्यों बात करता है उसका सोचो, तो नहीं होना चाहिए राजकरण, हर एक आदमी जिसमें आपके लोग का बहुत बड़ा हाथ है आप लोग जो बताते वही लोग सुनते तो सही जाना चाहिए, अगर मैं कोई इसमें गलत गया तो मेरे खिलाफ भी लोग बोलना चाहिए, तो NRC जो है इधर लगा ही नहीं है, गलत मेरे मुस्लिम भाइयों को भड़काया जा रहा है, जो भड़का के चले जाते हैं हकीकत नहीं बताते, तो आपके माध्यम से जो भी संस्था मुझे जब भी आवाज़ देगी हम सब मिलके
गलतफहमी दूर करेंगे ताकि एक भिंड शहर हमारा अच्छा आज तक चल रहा आगे बढ़ते चले। आपके माध्यम से, पुलिस की डिपार्टमेंट के माध्यम से, प्राण के माध्यम से ऐसा कोई कायदा है क्या? है लिखित लेने का, प्रोटेक्ट करने का, कौन मना किया? सर शहर में ये भी चर्चा है डिटेक्शन हाउस भी बनाया जा रहा है, सर अगर बनाया जाए तो किसके लिए बनाया जा रहा है? इसलिए बोल रहे हैं जो चर्चा है एकदम गलत है, प्रधानमंत्री खुद चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे ऐसे कि है तो तुम बताओ और यहाँ प्रोटेस्ट करो क्या? नहीं तो इधर बना ये एड्रेस है, ये खाली अफवाह फैला रहे, ये अफवाह इसलिए बना रहे सामने खाली शहर को खराब करने की। और ज्यादा शहर हमने भिवंडी है, मालेगांव है, ऐसे इतने ज्यादा मुस्लिम समाज वहाँ भड़का जा रहे हैं। आज तुम अगर तो भड़का रही है मुस्लिम समाज में, एक मुस्लिम समाज में ऐसे लोग भी है जो समझा रहे, पब्लिक समझ भी रहे, उसको और अपन नहीं जाना ताकि हमको ये जो गलत फहमी इसको दूर रखे, हमारा भिवंडी इतने अच्छे से 80% चल रहा है उसको चलाना।